Welcome to the Nucleosynthesis Academy and welcome to the part 25 of the Elimination Technique and Logical Guessing series. In this video, we are going to discuss the question number 89 of 2021 paper. 2021 का पेपर का 2089 क्वेश्चन है ये. आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है, बट इट इज़ अ सेट ऑफ पैटर्न, इट इज़ अ सेट ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इट इज़ सेट ऑफ वे ऑफ थिंकिंग कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से हिट करना है. एंड इमेजिन अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, सिली मिस्टेक्स को अगर हटा दें तो ठीक है. अगेन स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू और स्टेटमेंट नंबर थ्री चॉइसेस आर अगेन इस टाइप के हैं. चॉइसेस हमने ऐसी भी देखी हैं, वन एंड टू, टू एंड थ्री, थ्री एंड वन और ऑल, ठीक है. लेकिन इसमें चॉइस इस तरीके से हैं, मतलब यूपीएससी ने इस तरीके से डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ सोच के बनाया ही होगा. ओके, अब वही हमको देखना है कि क्या इसने यूपीएससी ने सोचा है. लॉजिक से लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी, कोई पीएचडी नहीं करेंगे. अब स्टेटमेंट कहता है कि देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल विद रेफरेंस टू इंडिया, बात कर रहे हैं इंडिया में क्या क्या सिस्टम है. यस, केवल एक ही सिटीजनशिप होती है कि हम एक इंडियन हैं. ऐसा भी नहीं है कि हम राजस्थानी हैं, इसका भी कोई सिटीजन है. ऐसा भी नहीं है कि हम कोई मध्य प्रदेश से हैं, वी आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर आल्सो सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश, वी आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर आल्सो सिटीजन ऑफ यूपी, ऐसा भी डुअल सिटीजन का कोई सीन नहीं है. दैट मीन्स ये सही है, एक ही डोमिसाइल आप रखोगे, वो भी स्टेट का, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो. तो फाइनली स्टेटमेंट वन आपका सही है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है. आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कई बार बनवाया होगा और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम कोई स्टेट के नेटिव्स नहीं हैं. इंडिया एक कम्प्लीटली में एक होलिस्टिक, खुद में एक स्टेट है इंडिया. ओके, तो स्टेटमेंट वन तो आपका सही है. दैट मीन्स स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट वन ये दोनों आपके सही हैं 100%, ठीक है. अब टू स्टेटमेंट जो है ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपकी. दिस इज़ कॉल्ड द वे ऑफ थिंकिंग, कि स्टेटमेंट टू आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है. अगर आपने वन को सही मार्क कर दिया है तो वन को आप सही मार्क करोगे. अगर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप, मैं तो ये कहता हूँ, आप ड्रॉप लीजिए और यूपीएससी प्रिपरेशन दोबारा कीजिए, ठीक है. अब डिबेट है क्वेश्चन इस पे, स्टेटमेंट नंबर थ्री पे, क्योंकि ऑप्शन नंबर वन ये केवल ऑप्शन ए में है और ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री ये ऑप्शन सी में है, ठीक है. अब डिबेट, अगर ऑप्शन थ्री का सही निकल जाता है तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है. अब ये स्टेटमेंट थ्री पढ़ो आप, कि ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट एनी अंडर सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब ये है कि अगर किसी फॉरेनर को हम लोग सिटीजनशिप दे देते हैं तो उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते सिटीजनशिप से, मतलब वंचित नहीं कर सकते. दैट मीन्स वी कांट टेक बैक हिज सिटीजनशिप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. क्यों भाई, अगर वो फॉरेनर किसी भी एनिमी स्टेट से जाके मिल गया किसी वार ड्यूरिंग में, या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिसलॉयलिटी कर दी, या फिर कुछ और क्राइम कर दिया जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं था, तो इंडिया उससे सिटीजनशिप वापस ले सकता है. ऐसा बेसिक फीचर लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, डी डी बसु, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर जगह लिखा हुआ है. और ये बेसिक चीज़ है कि फॉरेनर को एक प्रोसेस होती है देने की सिटीजनशिप, तो लेने की भी सिटीजनशिप भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है. तो ये तो नहीं है कि हम नहीं ले सकते, वो भी किसी भी सर्कमस्टांसेज में, मतलब कल को इंडिया पाकिस्तान का वार हो जाए और इंडिया के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स वो पाकिस्तान को बता दे, तब भी क्या हम उसको सिटीजन ऑफ इंडिया रखेंगे? नहीं रखेंगे. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंसिल कर सकती है उसकी सिटीजनशिप. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी सर्कमस्टांसेज के अंदर हम उसकी सिटीजनशिप वापस नहीं लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दैट मीन्स स्टेटमेंट थ्री इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट थ्री आपका गलत हो गया तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका गलत हो गया तो ऑप्शन ए ही आपका केवल बच रहा है. दीज आर द वेज टू सॉल्व द एमसीक्यूज इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. देयर इज नो नॉलेज बार, नॉलेज बार नहीं है. आप कितनी भी नॉलेज गेन कर लीजिए उतनी ही यूपीएससी आपसे ज़्यादा एडवांस होकर पूछ लेगी. बट ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप अपना माइंड ओपन रखिएगा, शांत रखिएगा, तभी आप ये यूपीएससी प्रीलिम्स बना पाएंगे. यही चीज़ अगर आप हड़बड़ी में कर पाएंगे तो आप हो सकता है कुछ ना कुछ गलती कर पाएँ, ठीक है. यहाँ ओनली भी है, लेकिन ओनली ये बाद में है. लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब तक आप स्टेटमेंट सारे नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना है. आप पढ़ते हुए ये ओनली को मार्क जरूर कर सकते हैं कि ये एक्सट्रीम वर्ड है, यू हैव द राइट टू मार्क इट एज द एक्सट्रीम वर्ड, दैट हम देखेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टू ऑप्शन करके ये तीसरे स्टेटमेंट को पढ़े ही ना. स्टेटमेंट सारे पढ़ने हैं आपको, और सारे स्टेटमेंट पढ़ के देन स्टेप बाय स्टेप यूज द एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड आफ्टर अप्लाइंग इट देन टेक योर फाइनल स्टेक.
उसके बाद ही आप फाइनल आंसर मार्क करें। ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा और फिर आके आप मुझे बोलोगे सर आपने कहा था एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे वर्क करती है, नहीं करती। मैंने कहा था कि सिली मिस्टेक्स को अगर साइड में रख दिया जाए तो एलिमिनेशन टेक्निक कैन मेक यू क्लियर द प्रीलिम्स एवरी टाइम आई कैन गिव द गारंटी। सिली मिस्टेक्स को आप हटा दें तो सिली मिस्टेक्स कुछ भी हो सकती है, आपने ऑप्शन गलत फिर दिया हो, आपने क्वेश्चन आधा अधूर पढ़ा हो, आपने ये पढ़ा हो कि नॉट करेक्ट पूछ रहा हो लेकिन आपने उसको जल्दी में करेक्ट पढ़ लिया हो, आपने करेक्ट मार्क कर दिया हो जबकि मार्क करने हो नॉट करेक्ट, ये बहुत मेजर मिस्टेक है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स आप मत करना और एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, इसके बिना पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंडिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।